कुछ सुना तूने? किस बारे में? अपनी नई बॉस के बारे में। नहीं तो कोई खास बात है क्या? खास बात? बड़ी अंदर की खबर है जो आजकल खुलेआम पूरी मार्केट में गर्दिश कर रही है बेटा। तो भाई फिर बता भी दे, इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहा है? पता, अब तू इतना फोर्स कर रहा है तो फिर तुझे बता देता हूँ। अपनी मानुअल मैडम है ना, बड़ी ऊपर की चीज़ है। सुनने में आया कि शादी के 2 दिन बाद ही इसके शोहर ने से तलाक दी थी, और मजे की बात तो ये है कि इसके पुराने आशिक की वजह से तलाक हुई है, और वो भी इसे छोड़ के मुल्क से बाहर चला गया। ढक कर यार, देखने में तो ऐसी नहीं लगती है। शक्लों से किरदार की गवाही थोड़ी मिलती है। अब ये भी है। क्या बकवास कर रहे तुम? मानो मैं हमारी बॉस हूं, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। क्यों कंसर्न नहीं है भाई? इंसान के पर्सनल अफेयर से ही उसकी औकात का पता चलता है। और अब एक ऐसी बंदी हमारे सरों पर लाके बिठा दी जो हम पे हुकुम चला रही है, और औकात इसकी ये है। फराज, वो मैंने आपसे फाइल के लिए कहा था। जी मैम, वो फाइल रेडी है, मैं बस आपके पास ही ला रहा था। ऑलमोस्ट रेडी है। दे दे। थैंक यू। टेन मिनट्स में मुझे रॉ मटेरियल के रेट्स चाहिए, और उनके कंपेरेबल रेट्स भी। मैं चाहती हूँ कि अकाउंट से हम आज ही अप्रूवल ले लें। यस मैम, मैं उसी फाइल पे काम कर रहा हूँ। आप अपने रूम में जाइए, मैं 10 मिनट में आपके सिस्टम पे शेयर कर रहा हूँ। गुड। एक और बात, मेरे बारे में आप लोगों को जो भी गॉसिप करनी है वो मेरे सामने ही करें ना, ताकि आप लोगों के जहन में जो भी सवाल है उनका जवाब मैं साथ ही दे दूं। इस तरह से मेरी पीठ पीछे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करने का अगर आपको बहुत ही शौक है तो आप कर सकते हैं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग काम पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला बन सकता है। You know ना what I mean? I hope you understand. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. ये मुझे फाइल दीजिएगा, मुझे कुछ पेपर्स और ऐड करने हैं। ये करके आप मेरे ऑफिस में दो। Yeah, sure. Thank you. Thanks.